माय नेम इज़ डॉक्टर मलाहा थीना, आई एम अ स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। मैंने गिफ्ट हैम्पर्स दिए हैं सारे सेलिब्रिटीज़ को और सारे मॉडल्स को। मैं हबीब को करीबन एक साल से जानती हूँ, बहुत ही जेन्युइन है और ये IBPW IPPW इंडियन प्राइड वॉक उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आई गेस लास्ट ईयर भी हुआ था, मैं नहीं थी लेकिन मैंने बहुत सुना था कि बहुत अच्छी तरह से हुआ है और इस बार तो बहुत सुपर्ब है। सब ने बहुत मेहनत की है, मॉडल्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। सो आई वुड से दैट हबीब बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं एंड जब वो मेरे पास भी आ रहे थे यू नो टू पिकअप ऑल द हैम्पर्स, बहुत ही कंफ्यूजन था लेकिन फिर भी उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। तो वह ऐसे किस्म के हैं ना कि वो कितना भी कंफ्यूजन हो, कितना भी कुछ भी हो, वो यू नो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से यू नो सब कुछ हैंडल कर लेते एंड ही इज़ अ वन मैन शो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़ के कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट से एंड फर्दर भी आगे भी मैं जाके जुड़ना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते। IPW इंडियन प्राइड वॉक, इंडियन प्राइड वॉक का ये सीजन 2 है और हबीब के साथ हम 2 साल से जुड़े हुए हैं। काफ़ी मैनेजमेंट अच्छा रहता है हर साल के, पिछले साल में था, इस टाइम और बेहतर किया हुआ है। और हमारी जो कंपनी है प्रेशा क्रिएशंस, वो उनके साथ जुड़ी हुई है 2 साल से। हम लोग क्राउन्स बनाते हैं, क्राउन्स और शैशेस बनाते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए। यहाँ भी हमने वही किया है, क्राउन्स और शैशेस दिए हुए और एसोसिएट पार्टनर है। हबीब जी से जब बात हुई थी हमारी तो उनका ऐसा था कि कंटेस्टेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन्स करके जो फाइनलिस्ट मेन हुए थे उनके शोज़ और रैमबॉक्स आज के दिन है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं वो हिसाब से, और उसमें जजिंग होकर जो जीतेंगे उसके हिसाब से विनर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड को क्राउन होंगे, जैसे मिस कैटेगरीज मिसेस कैटेगरीज है। और रनवे वॉक भी दिया हुआ है, उनके स्पेशल क्राउन दिए हुए टाइटल्स के, जिनसे उन्होंने सिलेक्शंस किया हुआ है कि इस टाइप के होने चाहिए। बखूबी हमने उनकी जो सोच थी उसको हमने क्राउन्स में उतारी है। यस, फर्स्ट सीजन्स में भी हम उनके साथ में ही थे, लास्ट सीजन्स के विनर्स भी आई हुई अभी क्राउन्स पहने हुए उन्होंने, आप देख सकते हो कितनी हो गया। और डेफिनेटली जब किसी का काम अच्छा रहता है, रिलेशंस काफ़ी मेंटेन रखते हैं, तो उस वजह से हम सालों साल तक उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। 101% फ्यूचर्स में हम जुड़ेंगे, आप भी जुड़े हुए साथ में, तो डेफिनेटली हम साथ में चलेंगे सारे। थैंक यू सर। आई एम डॉक्टर नीरजा एस नेलोगी एंड आई एम ए फाउंडर ऑफ द ग्लो स्किन हेयर क्लिनिक। दिस इज़ रियली अवर प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी एसोसिएटेड विथ इंडियन प्राइड वॉक एंड कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। वी आर फ्रॉम लाइक ग्लो स्किन एंड हेयर क्लिनिक। द इवेंट वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड वेरी वेल प्लान्ड। आई रियली एन्जॉयड, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल शो। थैंक यू। अमिता पंचाल है, मैं लास्ट ईयर की इंडियन प्राइड वॉक की विनर हूँ सीजन 1 में, और इस साल मुझे एज अ ज्यूरी बुलाया गया है। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि कल लास्ट ईयर मैं जैसे स्टेज पर थी और इस बार मैं ज्यूरी के पैनल में बैठी हुई थी। सो बहुत मज़ा आया मिस्टर हबीब मीठी बोरवाला से उनके साथ में काम कर एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम और कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार भी शो बहुत ही सुपर हिट रहा है, लास्ट ईयर से भी बहुत अच्छा रहा है और सबने बहुत एंजॉय किया है। सारी मॉडल्स ने, लड़कियों ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत आज रंग लाई स्टेज पर दिख रही थी। आई बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी उनके फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं मिस्टर हबीब मीठी बोरवाला को। थैंक यू सो मच। ओके, hi, I'm Tulsi Mehta. So this is my first season with Habib and his team, and I was walking for the fashion runway. It's been an amazing experience. Everything was so well managed, and as you can see, I feel beautiful in this gown by Ritu Goel. I think she's done an amazing job, and literally everyone who has seen the gown has given me compliments. It's been an amazing experience, and I plan to be a part of his show every year. And I thank the whole team. Thank you so much. Thank you. Chalega. Okay. Hello. My name is Sonali Deshmane. So this is my first time. First time जो मैं कोई runway run walk कर रही हूँ, और बहुत मज़ा आया उनके clothes flaunt करने में, और first time ये experience था. It is amazing. It's an amazing experience. So thanks to Habib and thanks to Ritu. Thank you.
Hello, this is Janita Montero, and I feel proud to be one of the runway models for Habib. And to tell you, Habib is firstly a beautiful soul. And other than Habib, I would like to even extend my thanks to Omkar sir and Mandar sir for the beautiful choreography for the catwalk. It was just superb, superbly organized. And not to forget Satya, who's done the back-end arrangements so very well. So I just extend my thank you to each and everyone here, along with the media here, for having us here. I feel truly honored to be here. Thank you very, very much. Hi, my name is Sparshi Banerjee, and this is the very first time I'm associated with Habib and Catalyst Entertainment, and I'm really thrilled to be a part of this show. I have been a runway model and loved the experience. Thank you to Sangeeta Alshi, who has actually introduced me to this thing, and I've loved it, loved the dress, the designer Ritu Goel, everyone on the team has done an amazing job. Omkar, then Mandar, giving us all the trainings of the walks and all. So yes, I'm really excited to be a part of this family in future as well. So yes, kudos to the team, and yes, that's it. They've done a great job. Thank you. Hi, this is Swati Kadav. Actually, every girl has a dream that she could be a model. But IBW has given me the chance to be a model, and Mr. Habib sir, Omkar sir had given was a very good team, and just they had fulfilled my dream. Thank you. Hello everybody, this is Meghna here. I'm feeling so proud to be a runway model for IPW. This is my first experience, and it was amazing experience. Thank you Habib sir for giving me an opportunity to be a runway model, and my mentor Sangeeta Alsi, she had done a really good job mentoring me and guiding me all the way. Then Omkar sir, Mandar sir, a meticulous choreographer. They are very hardworking and dedicated. And of course, Shami ma'am, she's the makeup artist team. They make us look very beautiful on the stage. And of course, the dress which we are wearing, Ritu Goel, the designer, she really made us look so beautiful and confident on the stage. Thank you so much, and looking forward to be part of IPW for the next year. Thank you so much. Hi, my name is Tanuja Bangera. I'm a fashion model, and this is my second season with Habib. So it is just getting better and bigger every year, I must say. Heartiest congratulations for him for another successful year. And I would definitely want to thank Omkar, Mandar, Sangeeta, Shamim, everyone for putting up such a great show and giving us this glamorous look. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Vishakha Petkar. I am really happy and proud to be part of Indian Pride Walk as runway model. And the simplicity, modesty, familiarity, and rationality, these all are the plus points of this show, and I'm really loving it here. This is also my second season here with Indian Pride Walk, and I'm really thankful for organizing this wonderful show by Habib sir, then dress designed by Ritu ma'am, grooming by Sangeeta ma'am, and of course the choreography done by Omkar sir and Mandar sir. I'm really thankful to them. Thank you. Okay. Hi, this is me Gauri Thange. It was amazing experience with Catalyst season 2. मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करने में. बहुत ज़्यादा मेहनत थी इस बार. और ओमकार सर कोरियोग्राफर एंड मंदार सर ऑल्सो कोरियोग्राफर, उनके साथ मुझे काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. देन थैंक्स टू हबीब सर, उन्होंने हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी के साथ हमने भी बहुत मेहनत किया. थैंक यू सो मच. Yeah.
हाय नमस्कार, मेरा नाम सोनाली देशमान है और मेरा भी सपना था, जैसे हर लड़की का सपना होता है कि कुछ तो मॉडलिंग करे हर कभी ना कभी तो जो हमारा IPW है उन्होंने और हबीब सर ने मुझे ये चांस दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हबीब सर, थैंक्स टू ऑल बैक स्टेज आर्टिस्ट, ओमकार सर, मंदार सर, शमी मैम और सबसे ब्यूटीफुल तो मुझे ये गाउन लगा है रितु मैम का जिसमें मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ. सो थैंक यू, बड़ा मज़ा आया है एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर में फिर से मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर अदर कंटेस्टेंट हु वन द शो. थैंक यू. स्टार्ट. हाय, मेरा नाम डॉक्टर शबीना शेख है और मैं यहाँ पे IPW इंडियन प्राइड अवार्ड सीज़न 2 2024 में पार्टिसिपेट मैंने किया है. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पार्टिसिपेट करके. दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट, मिस्टर हबीब मिट्टी बोरवाला. और साथ ही साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे वार्डरोब पार्टनर को रितु गोयल, जिनका ये ड्रेस है जिन्होंने हमें दिया है. और इसके बाद हमारे मेकअप पार्टनर्स हैं शमीम धमस्कर जी, इसके अलावा जो हमारी कोरियोग्राफी की है ओमकार जी और मंदार जी ने. सो आई एम थैंकफुल टू देम एज वेल एंड अलॉन्ग विद स्पेशल मेंशन टू सत्या जी. थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक्स. Hi, I'm Vaishnavi Rai. I've had such a wonderful experience here at IPW Indian Pride Walk. This was my first season, my first experience with Mr. Habib, and I have had such a joyful journey over here. Not only did I get to meet him, but I also made such fabulous friends here, and I'm really grateful to him. And our show choreographer, Mr. Omkar, I am so grateful for him because he made this entire process so smooth and so functional. We were all able to do our best as runway models and I thoroughly enjoyed the process. And I also would like to thank Shamim for giving us this beautiful glamorous look. Our the way we are looking here is all thanks to her. And I would also like to thank our designer Ritu Goyal, who gave me such a beautiful dress and which tied the whole look together. I'm really proud to be part of the IPW and I thoroughly enjoyed the experience and it was absolutely fabulous. Thank you. Hi, I'm Lorraine Mathias. It's a great privilege to be associated with IPW, Indian Pride Walk. It's my first experience with Mr. Habib, and he is a great person. The way he's organized the show, hands-on. I'm also grateful to his wonderful team, you know, especially Sangeeta, the grooming person, grooming partner, also the designer, Ritu, and the choreographing team, you know, it was Omkar and Mandar, and they were fabulous. They trained us very well, and the last but not the least, the makeup artist, Shamim Madam, I mean, she's given us this glamorous look. Thanks for this amazing journey. Thank you to Mr. Habib for giving us this opportunity, and he also made a lot of new friends and giving us this glamorous look. Thank you so much. Hello everyone, myself Komal Dubey. This is my second season with IPW as a runway model. I'd like to thank our wardrobe partner Ritu ma'am for this beautiful dress, Shamim ma'am for this flawless makeup, and Omkar sir for the beautiful choreography on the stage, and last but not the least, Habib sir for giving me this opportunity. Thank you. Okay. Hello, I'm Anjulika Bhagchandani, and they say fashion is an art more than an art itself. So today I experienced this with the fashion runway. I'm a part of fashion runway as a model, and I must thank Habib Mitti Borwala. Sound aata rahega. So, should I start from the beginning? Yeah. Hello, I am Anjulika Bhagchandani, and I am a fashion runway model. They say that fashion is an art more than an art itself, and I believe in that statement, and today I experienced that by participating in this event which is called IPW Indian Pride Walk
season 2. I was part of season 1. That's why I'm here for season 2. That means the show is really great. I must thank Habib Mithi Borwala for creating such a beautiful concept and honoring his commitment and giving so many people new dreams, opportunity to dream more and more. Okay, I must thank the choreographer's team, which was flawless, Mandar and Omkar. I must say my look is thanks to Shamin Damascus team, which was flawless. And not to forget my dress is by Ritu Goyal, which is fantastic, fits me like a glove, maybe I'll take home. Thank you so much. And the best thing is, there is a bonus attached to this, I got an award also, so thank you so much. Things can't get better than this. I'm now waiting for season 3. हाँ जी, मेरा नाम हमजा है एंड या आई एम एन एक्टर, आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, बट कभी सोचा नहीं था कि मॉडलिंग करूँगा. एंड थैंक्स टू मिस्टर हबीब मिठीबोवाला जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. एक्चुअली जिम में हम मिले एंड देन ही सेड कि करेगा क्या, मैंने कहा चलो यार, मतलब एक्टिंग में कुछ कर रहा हूँ, मॉडलिंग में आ जाता हूँ, बट मैं नहीं आता रहा ताकि लोगों का बिजनेस ना खा जाओ, बट अभी लग रहा है कि खाना पड़ेगा. तो या फीलिंग ग्रेट एंड या कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया है एंड जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. एंड आज का जो भी इवेंट था वो एकदम सक्सेसफुली डन हुआ है एंड थैंक्स टू कोरियोग्राफर जिनकी वजह से हम अच्छे लाइन में खड़े थे, वरना नर्सरी के बच्चों जैसे हम भी झगड़ा करने लग जाते. सो इट्स द बेस्ट फैशन शो आई गेस एंड आई बी वेटिंग फॉर सीजन 3 एंड या और ट्राई करूँगा सीजन 3 में मैं फिर से जीत सकूँ. या थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट. ओके, हेलो, माय नेम इज़ सहिता गांगर एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस ग्लैमरस, मिस ग्लैमरस. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक हबीब सर एंड कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट फॉर दिस ग्रेट इवेंट. द इवेंट वॉज वेरी नाइस, द होस्टिंग, द कोरियोग्राफी वॉज वेरी नाइस. आई लव द कोरियोग्राफी. सो इट वॉज स्ट्रिक्ट बट दे वर ऑसम. दे जस्ट हमें जब बिठा दिया है जगह पे एंड द मेकअप आर्टिस्ट वर प्रोफेशनल. आई लव द मेकअप. दे वर सो, द स्टाफ वॉज सो हम्बल एंड वेरी नाइस एंड फॉर द इवेंट वॉज वेरी नाइस. आई जस्ट लव इट, आई लव इट एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर्स एंड सी यू सून. थैंक यू. ओके, माय नेम इज़ आरती सुनावने. आई एम फ्रॉम कल्याण एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल की थैंक यू सो मच हबीब सर फॉर मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो वेरी नाइस एडजस्टमेंट वगैरह एंड ऑल एंड लाइक मेकअप शमी मैम्स वेरी नाइस मेकअप एंड ऑर्गेनाइजर हबीब सर. सो आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एंड कोरियोग्राफर ओमकार सर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा हमें कोरियोग्राफर किया है. सो ये शो करने में काफ़ी मज़ा आया है एंड इट्स वेरी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू. Hi, good evening everyone. My name is Natasha Gracious and I am the winner of Mrs. Indian Pride Walk Season 2. It's been a great journey with Catalyst Entertainment and Habib. This is my second season with Habib. Yes, last year I was in the runway. So it's been an amazing journey and Habib is a great person to work with and Catalyst Entertainment is also a very honorable, great organization to be here. And I am really happy and lucky to be with Catalyst and Habib. And I thank each and every person who has contributed to this. Shamim for her amazing makeup team. Meher especially, I thank Meher from my heart. She was the one who did my makeup twice earlier too. So thank you Shamim and Meher and entire team of theirs. Ritu for this beautiful gown that she's made for me, and this is not the first time Ritu has done this miracle. She's done even last year, and even the last year gown was loved by everyone. So thank you Ritu Goyal, Omkar and Mandar for the amazing choreography. They were great
they made us look great on the stage, and to every single person who has contributed, Sangeeta ma'am for her grooming. Sangeeta ma'am is very kind and warm hearted, and she's been a great grooming expert, and her tips that she gives, her guidance that she gives, it has helped all of us to be confident on the stage. And also Sheetal, our dietitian that Habib had got on board, so she was great, and she's helped me not just with the diet for the pageant, but I think it is surely going to help me in throughout my life, because I really needed it. So I thank Habib for this amazing the trophy, the crown. I'm sorry, I do not know the crown partner's name, but yes, I love the crown, and it's a memorable moment I will remember for the entire life. I cannot explain in words right now how deeply I feel for each one of us here. We've been a very great team, all of us. I've made some beautiful, wonderful friends. They're mayors. So I have made wonderful friends for my life, and we worked together as a team. If it wasn't for all of us, it wouldn't have been possible to be a great performer on stage. So thank you, Habib, once again, and to Catalyst and each of us who've contributed to me being here. So thank you for this. Thank you so much. Thank you. Hello, my name is Sahita Santosh Gangan. I got the title for Miss Glamorous, and I just want to thank Habib sir and Catalyst Entertainment, and I just want to thank my groomer Sangeeta Alshi ma'am. Just come here. She's a great groomer. She's a very humble person, very lovely person. I love working with her, and I thank you so much. Thank you. And I want to thank for the crown. The crowns are very nice, and the makeup artists, and for everyone. And I wish you all the good luck. Congratulations. And choreographers, especially choreographers, was very nice. They are very nice. Thank you so much. Thank you. Yeah. Photo also. Yeah. Hi, my name is Pragati. I won the title of Best Ramp Walk in the beauty pageant. I would like to thank Habib Mithiborwala, the founder of Catalyst Entertainment, and the entire team. Special thanks to Sangeeta ma'am for all the grooming tips and mentoring. This was the first time that I participated on a professional platform for modeling, and it was a lovely experience. Thank you to the entire team. I learned a lot. Looking forward to participate in bigger platforms. Thank you. Hello everyone, I'm Sangeeta Alshi, Mrs. International Global World Queen from Russia. I've been grooming for last two seasons for Catalyst Entertainment. Working with Habib has been a great pleasure, as he is my good friend, and I thought with coming up with this event, and that was my idea initially, that I said like ki hum ek event karenge jo beauty pageant runway aur title holders ke saath rahega. Ye idea unko बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि चलो मैं कर पाऊंगा क्या, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपका साथ दूंगी अंत तक. और मैंने राइट फ्रॉम सीज़न वन से लेके सीज़न टू तक बहुत ही मेहनत की है इनके साथ. हमने कंधा से कंधा मिला के बहुत मेहनत की है, राइट फ्रॉम गेटिंग द कंटेस्टेंट्स टू द टोटल टीम, मेकिंग ए टीम फॉर हबीब फॉर कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट. एंड बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्पॉन्सर्स को मैंने इस शो के लिए डेडिकेट किया है. एंड राइट फ्रॉम डे वन टू तीन महीने कम से कम हम लोग ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं. हर सीज़न के लिए तीन महीने से हम लोग तैयारी शुरू कर देते थे, और हबीब और हम दिन रात मेहनत कर करके आज ये शो को बहुत सक्सेसफुल बनाया है. आई फील एक्सट्रीमली प्राउड, बिकॉज मैंने बहुत से नए कंटेस्टेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पर लाया है, जो आज बहुत ही सिंपल सी लड़कियां थी, आज बहुत अच्छे मॉडल्स बन गए हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज ये कम से कम मैं 7 सालों से ये कर रही हूँ, एंड ईच ईयर आई ब्रिंग सो मेनी मॉडल्स फॉर दिस इवेंट्स, एंड दे आर बिकम एट क्राउन विनर्स एट नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, एंड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई फील एक्सट्रीमली प्राउड मेकिंग देम एंड ग्रूमिंग देम. थैंक यू सो मच. Thank you.
ठीक है. आई एम द फर्स्ट रनर अप ऑफ इंडियन प्राइड वॉक विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मॉडल बाय प्रोफेशन. आई एम अ लॉयर एंड आई वॉज ग्रूम्ड बाय संगीता मैम. सो शी टॉट मी द ABCD ऑफ हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू कैरी माई सेल्फ ऑन द स्टेज. सो आई वुड लाइक टू थैंक हर. आई वुड लाइक टू थैंक हबीब फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल शो. आई वुड लाइक टू थैंक नूर फॉर द ब्यूटिफुल मेकअप फ्रॉम शमीम मैम्स टीम. शी इज डन अ वंडरफुल जॉब. आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक रितु फॉर दिस कॉस्ट्यूम दैट आई एम वेयरिंग and the entire team of Catalyst Entertainment. It was a wonderful experience. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thanks a lot and congratulations to you. Thank you. Thank you, Shweta. Making your dream come true today. I'm yes. so proud of you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, okay. Good evening, everyone. I'm so happy to say that I'm actually so happy that I can't express anything, but I'm very much thankful. Yeah, actually, I'm very much thankful to Sangeeta ma'am because she has given me a very nice opportunity and she had guided me all the way, but from grooming, yes, from everything, from top to bottom. I'm like Sangeeta ma'am, Sangeeta. It was a dream which I made it true. Yeah. Right from grooming to yes. coming up to this beautiful platform. And I wish her all the best and congratulations first of all. Thank you so for much. Becoming the winner and yeah. the crown thank title so holder. Much. Wish her all the luck. Yeah. Thank you so thank much. Thank you Bye. So much. And even thank you to Habib sir and all the crew members. They have supported a lot. Thanks a lot. Thank you. Hi, I'm Hemang, a very good friend of Habib, and he's doing a fabulous, very extraordinary shows. Like this is a season 2 of Indian Pride Walk, and I'm proud to be a part of the show, and all hats off to his complete dedication and work. He is promoting new talents, and definitely they have a long way to go. So once again, thank you Habib, and thank you the complete team of Indian Pride Walk for this invitation. Thank you so much. Hello, this is Manisha Pisar. I am the second runner-up for this beauty pageant. Yeah, the experience was awesome and it was fabulous. And the show was really, really grand. I really wanted to appreciate Habib and his team for this beautiful and wonderful creation of beauty pageant. I really thank Shamim ma'am for hair makeup and all this beautiful jewelry she has provided. I really thank photographer Monty and also choreographer Omkar and his team for his fabulous choreography. I really thank whole team once again. Thank you for giving me this opportunity for this event. Thank you. Hello, this is Tanishka Pisar from Satara Born and Brought Up in Mumbai. I'm a student. Apart from studying, I'm a songwriter, a poet, writer, poem writer, and a fashion designer. And I thank everyone. I thank Habib for organizing this show. I thank Shamim for doing my makeup and hairstyle. And I had a really great experience in this for the first time. Thank you. स्टेज पे रो रही थी, ये भी रो रही थी, तो दोनों के आँख में आंसू. और मैंने पहले ही कहा था मेरे शो में फिक्सिंग नहीं होती है, तो आज फिक्स, अगर ये लोग रो रहे हैं इसका मतलब है कि फिक्सिंग नहीं हुई है. आंसू कोई खरीद नहीं सकता. मेरा जितने वाले हैं और जितने सारे ऑर्गेनाइजर्स ये मेरा वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग भी पता है कि आपके शो में कोई रोता नहीं है क्योंकि आप लोग फिक्सिंग करते हो. तो मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा सुधर जाओ. पैसा सब कुछ नहीं होता, थोड़ा ईमानदारी से शो करो. चाहे वो कोई भी हो, XYZ हो, जिसके शो आने वाले हैं उनको भी बोलूँगा, थोड़ा ईमानदारी दिखाओ. थोड़े तो कंटेस्टेंट्स को ईमानदारी से अवार्ड दो और क्राउन्स दो. सब कुछ पैसा नहीं होता लाइफ में. लता सर, आपको सबसे बधाई हो, आपने अवार्ड जीते, बेस्ट आपने जीते, आपको उन्होंने मिले हैं. हबीब के साथ मेरा फर्स्ट कॉल से जो एक्सपीरियंस है, इट्स मोर देन समथिंग दैट आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स. बहुत ऑनेस्ट और जेन्युइन पर्सन है हबीब, और बहुत काइंड हार्टेड है, अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है. और अभी तक लाइक मेरा अभी हबीब के साथ और कैटलिस्ट के साथ जर्नी 2 साल का हुआ है. मैंने पहला सीज़न किया था एज अ रनवे मॉडल, अभी ये मेरा पैजेंट था.
बट ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव एंड ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन पर्सन. उसने अभी तक जो भी प्रॉमिस किया है, इवन लास्ट ईयर वॉज इज फर्स्ट सीजन, this year is the second season, but every word that he has promised to us, he has delivered. In fact, more than what he had promised, he has delivered. So I'm really happy and grateful to be a part of his show and with him. And now he is more than an organizer, but he is like a friend and a family. So I'm very happy that I did this show, and I have precious moments over here with this show. So it is not, I cannot describe something like this in words. बाकी जो लड़कियां थी, क्या मशहूर है इंडियन प्रोडक्ट वर्क जो है, इसके बारे में आप क्या मशहूर करना चाहते हो? बाकी लड़की जो है, क्या है लड़की जो है बाकी लड़की? I did not understand the question. बाकी लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो अभी जुड़ना चाहेगी इंडियन प्रोडक्ट? उनके लिए बहुत ही अच्छा. I would say Indian Pride Walk is not just an organization, but then it gets under your skin and it becomes a family. So ऐसे possible नहीं होता है कि एक बार आओ और निकलो वहाँ से. तो वो ऐसा है ये इंसान कि he attaches you to himself. So he's a very kind and very sweet and loving person. So I would really want girls, women across all ages, shapes, heights, everything, because he's treated everyone equally. उसने हम लोग का बहुत केयर किया है. ही इज़ इवन टूडे ही इज़ अरेंज राइट फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाउ. ही इज इंश्योर्ड दैट वी आर फेड वेरी प्रॉपरली इरिस्पेक्टिव दैट वी वर कॉम्पिटिंग. तो हमारा पेट भी उसने बहुत भरा भरा के रखा हुआ है. सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो जेन्युइन मैन प्रोमिसेस एंड डिलीवर्स हिज प्रोमिस. So I would really want many other girls and women to be a part of Catalyst Entertainment and join with Habibi. Thank you. देखा जब हम आपसे बात करें, कोरियोग्राफर के बिना शो अधूरा रहता है. आप किस तरह की तैयारी रहा शो के लिए? हमें भाई की जो चीजें तैयारी तो दो दिन से पहले से स्टार्ट हो चुकी थी. तैयारी अच्छी खासी मेहनत की है सारे मॉडल्स ने. पहले तो जो पिलर है मेन हबीब सर, उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उनके बिना ये नहीं होता था पॉसिबल. अच्छी खासी तैयारी की है इन्होंने, इनके टीम्स ने और मेरे मॉडल्स ने, जिनको मैंने ग्रूम किया है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की और वो सफलता आज दिखी ही गई सभी को. थोड़ा जोर से बोल रही थी. पहला शो था मेरा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा. एक तो अभी सर का नेचर बहुत अच्छा लगा और शो भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. क्या बात सर, आप लोग हबीब सर से यही एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत काम पर्सन है. मेरा लेट हुआ है तो भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, काफ़ी आराम से सॉरी हबीब भाई और ट्रस्ट दिखाया मुझ पर. थैंक यू सो मच. और क्या करते हैं आप, उसे क्या चाहते हैं आप अभी नेक्स्ट क्या करते हैं? जितने शो होंगे उसमें मुझे लेते जाए और क्या. और नेक्स्ट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट. ऐसे ही सीजन 2 चल रहा है, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यूसली शो करते रहे और हमें भी साथ लेते रहे. जी आप तुमने कर लिया, क्या कुछ कहेंगे आज के शो के बारे में? हेलो एवरीवन, आई एम संगीता आशी. आप स्टार्ट बोलो तब मैं बोलूँ. हेलो एवरीवन, आई एम संगीता आशी, द ग्रूमर ऑफ मिसेस इंटरनेशनल एंड आई हैव बीन ग्रूमिंग दिस पेजेंट सिंस सीजन 1 एंड इवन आई एम द विनर ऑफ मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड क्वीन 2017 फ्रॉम रशिया. एंड सिंस देन आई हैव डन मेनी ब्यूटी पेजेंट्स, आई हैव डन ग्रूमिंग फॉर मेनी मेनी शोज एंड आई हैव ट्रेन्ड ऑल द कंटेस्टेंट्स फॉर दिस सीजन 1 टू सीजन 2. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर बिकॉज हबीब इज़ बीन माई रियली गुड फ्रेंड एंड हेल्पिंग हिम थ्रू आउट द डे वन मतलब सीजन 1 का जो बुनियाद रखा था उस दिन से लेके आज तक मैंने काफ़ी उनकी हेल्प की है. एंड इट वाज बीन प्लेजर वर्किंग विथ हिम बिकॉज ही इज सच अ हम्बल पर्सन एंड अ गुड फ्रेंड आल्सो टू मी. सो जो भी मुझसे हुआ, जितना भी मैंने उनको सपोर्ट कर सकती थी मैंने किया, और इस शो के लिए नहीं, आगे कई शोज़ के लिए करेंगे. मुझे खुशी है कि ही ऑल्सो गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम दी मॉडल्स एंड एवरी मॉडल इज़ वेरी हैप्पी. इट गिव्स मी इमेंस प्राउड फीलिंग दैट एवरी मॉडल इज रियली टेकिंग माई नेम टूडे एंड दे आर हैप्पी दैट दे आर द विनर्स टूडे फ्रॉम माई व्हाट यू से वॉट एवर आई कुड हेल्प टू द इवेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू हबीब वंस अगेन.
for giving me this beautiful two trophies as a groomer and being the board of directors also. Thank you so much. जी मेरा नाम भाग्यश्री पुजारी है एंड लास्ट ईयर मैंने मिसेस ग्लैमरस का अवार्ड जीता था और आज यू नो दिस सीजन मेरा जो फोटो है वो होल्डिंग पे आया है विच इज़ एट द टू प्लेस लोटस एंड अपोजिट टू सी प्रिंसेस सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक हबीब मिठीवर वाला फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन यू नो शोकेस माई टैलेंट एंड स्किल्स and I am looking forward to work more with him so and these girls are very special to me why because ye log ne mujhe trust kiya मेरा होर्डिंग था इनको नहीं पता था मैं क्या क्या करने वाला हूँ बट एक वी वर प्लानिंग फॉर वन बट दो होर्डिंग लग गए एक सी प्रिंसेस के ऑपोजिट जू एक लोटस पर पेट्रोल पंप ऑपोजिट इन अंधेरी बोथ आर लवली होर्डिंग्स और एक मैगजीन के कवर पेज पे भी मार्च इशू में आने वाला बॉम्बे फिल्म फेयर मैगजीन सो वी आर ईगली वेटिंग फॉर इट सो थैंक यू भाग्यश्री मोनाली एंड जारना बेबो एंड प्रिया ये जो मेरे एंड हेतल जो कि फीचर कर रही है इसमें सो थैंक यू एंड मॉन्टी जो फैशन फोटोग्राफर है एंड रितु कपड़ों के लिए इट्स आर प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ द होर्डिंग शूट थैंक्स एंड कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड इंडियन प्राइड वॉक फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी थैंक्स अ लॉट यू आर सुपर पर्सन यार थैंक यू सो मच थैंक यू पहले कुछ करते थे हम लोग यूट्यूब से डांस सीखते हैं मेरा नाम अंशिता संतोष अंकर है मैंने हम दोनों ने अभी स्टार्टिंग में गणेश वंदना बाद में इसका सोलो परफॉर्मेंस चंद्रा पे मेरा सोलो परफॉर्मेंस राधा पे और दोनों का लास्ट एंडिंग में मैशअप सॉन्ग हुआ है हम लोग डांस क्लासेस नहीं जाते यूट्यूब से ये सारा सीख लें मेरा नाम प्रणविता संतोष हंकार है और जैसे उसने कहा वैसे ही हमारा सबसे पहले गणेश वंदना उसके बाद मेरा चंद्रा उसके बाद उसका एक सोलो हुआ और उसके बाद अभी हमारा एक लास्ट एक मैशअप सॉन्ग हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ परफॉर्म करते हुए थैंक यू सक्सेस रहा बिकॉज आप लोग सब ने इतना प्यार दिया देखो प्यार के बिना कुछ भी चीज़ सक्सेस नहीं होती है मैं मेहनत करता हूँ बाकी परमात्मा पे छोड़ता हूँ आप लोग पे छोड़ता हूँ आज ये प्रिंसेस बनी है ये रनवे में थी गौरी एंड डॉक्टर साहब है इधर डॉक्टर ने भी काफ़ी अच्छे से रनवे में वॉक किया तो मेरे वहाँ अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग लड़कियाँ कोई 15 साल की लड़की है तो कोई 40 प्लस एज का है कोई 50 प्लस एज का है तो मेरे वहाँ नो एज बार है और मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर टैलेंट को काम मिले मेरी टीम इसी में है मेरी ग्रूमिंग टीम संगीता जी है मेरा आज ओमकार करके कोरियोग्राफर था रितु गोयल ने मुझे मोडावेंट ने बहुत सुंदर कपड़े दिए बुलमैन रिकॉर्ड्स म्यूज़िक पार्टनर है सिमका होर्डिंग पार्टनर है खबर 24 न्यूज़ पार्टनर है फिर सिल्क रूट इज़ माय फोटोशूट एंड FNB पार्टनर देन ग्लो स्किन है मेरा स्किन पार्टनर सो मेरे इतने पार्टनर्स है चॉकलेट हाउस है बॉम्बे फिल्म मैगजीन है प्रेशा क्रिएशंस है ब्रांच क्रिएशन है फोटोशूट पार्टनर सो आज मेरे इतने पार्ट सब ने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा करते हैं आज मैं यही कहूँगा कि मैं जो ग्रो हो रहा हूँ बिकॉज मेरी टीम की वजह से कोई भी एक आदमी अकेला नहीं ग्रो कर सकता मेरी मॉडल्स जो है ये मेरी स्ट्रेंथ है आज अगर मैं इनको डिलीवरेबल्स दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे लिए खड़ी होगी और इनको पता है मेरे शो में फिक्सिंग नहीं होती है ये भी गवाह है ये भी है फिक्सिंग नहीं होती और मैं जो बोलता हूँ उससे ज़्यादा ही देता हूँ मैं अगर तीन चीज़ बोलूँगा तो पांच चीज़ देता हूँ ये मेरा है मैं ज़्यादा बोल के कम नहीं करता मैं कम बोल के ज़्यादा देता हूँ और मैं इतना कहूँगा इनका फ्यूचर ब्राइट हो आपने जैसे देखा मैंने अभी तक तीन गाने प्रोड्यूस किए हैं तीनों गाने में मेरे कंटेस्टेंट्स की लड़कियाँ हैं आज मैंने एक अनाउंसमेंट की बेबो कक्कड़ के साथ कि बेबो और आदिल का मैं पेयरिंग करके गाना बना रहा हूँ प्रोड्यूसर मैं हूँ फिर भी मैं पेयरिंग किसी और को दे रहा हूँ बिकॉज मैं नए टैलेंट को प्रमोट कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि हमेशा हबीबी दिखे मैं ऐसा नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि टैलेंट ग्रो हो कल इनमें से कोई भी लड़की अगर मेरे पास आती है कि सर हमें म्यूज़िक वीडियो में करना है क्या प्लेटफॉर्म कैसे प्रोसीड करना है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल गिव देम अ प्लेटफॉर्म जो जिनको पूरा मतलब आज मैं खुद की बात कर रहा हूँ मैं ऑडिशंस देता था जब मैं ये लाइन में नया आया था एज एन एक्टर मैंने कम से कम 150 ऑडिशंस दे दिए मेरे को म्यूज़िक वीडियो नहीं मिली
आज जब मैं कर रहा हूँ तो लोग मेरे से है, तो मैं चाहता हूँ कि नया टैलेंट एक्सप्लॉइट ना हो, नए टैलेंट को इतना स्ट्रगल ना हो. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव ऑफ इंडियन प्राइड वॉक और सीजन टू है कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के, एक आगे चले, एक नाव चले और इस नाव में सब साथ चले, क्योंकि नाव एक आदमी नहीं चला सकता, एक टीम कैप्टन के साथ उसके सारे वर्कर होते हैं. तो ये मेरी एक शिप है जो मैं आगे चल रहा हूँ. और कल रामनव दिवस का है, तो हम लोग की पूरी टीम की तरफ से मैं राम मंदिर और इसको इतना बधाई देता हूँ. मुझे इतनी खुशी है कि एक इंडिया में एक नया फेस्टिवल आ रहा है जिसको हम सब मिल के मना रहे हैं. तो भगवान श्री राम के लिए मेरी बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं, मेरी सारी टीम की शुभकामनाएं. और हम आज 21 को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात को केक वेक कटिंग करेंगे, कल पटाखे भी फोड़ेंगे. तो ये शो के साथ, और मुझे इतना है कि ये शो इतना मेमोरेबल होगा कि राम जी का आशीर्वाद भी मुझे मिल गया है. हबीब खोलना चाहती हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है लाइफ में. सो उनके वजह से तो मेरी अभी लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है. सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं रियली रियली थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को. दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हबीब जी एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंकफुल टू एंड दी एंटायर टीम. और हबीब सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो जो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की हैं उससे ज़्यादा ही डिलीवरीज हैं और बहुत ही परफेक्शनिस्ट, मतलब यू कैन से ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट. बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स उन्होंने मैनेज किए हैं विदाउट एनी यू कैन से कि इट वी नेवर फेल दैट एनीथिंग इज मेस्ड अप. We never ever felt. So the thing was like everything was organized so well and we were really happy to participate here. And also would like to mention the ma'am, she was grooming, she was giving us the grooming session yesterday. It was really helpful, ma'am. And the entire the choreography, the outfit, makeup, jewelry, designing, stage, everything, every instructions was very much useful. It was a good learning and a beautiful experience. Thank you. Thank you. Thank you. मैं ये कहूँगा कि साहिल साइनी को मैं जानता हूँ पिछले 4-5 सालों से. मैंने कब जब भी इनको फ़ोन किया है हमेशा मेरा फ़ोन अटेंड तो करते हैं, साथ में काम भी करते हैं. और हम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, हम भाईचारा भी रहता है. ये दिल्ली से खास आता है, ये किसी शो में नहीं आते. मुंबई में इतने शोज होते हैं आप इनको कहीं नहीं देखेंगे, बस मेरे एक बुलाव पे आ गए, दिल्ली से फ़्लाइट का खर्चा करके मेरे लिए आए हैं. सो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. आज ये हमारे मैगजीन पार्टनर है, बॉम्बे फिल्म फ्रेम करके इनकी मैगजीन है जो कि डिजिटल और ऑफलाइन दोनों है. आप प्रिंट भी इसका देख सकते हैं. इनके आई गेस मार्च इशू में आप हमारा ये कवर कर रहे हैं सर, करेक्ट? तो मेरे भाई जो है मार्च इशू में कवर करेंगे. और हमारा जो होर्डिंग पिक्चर एक है क्राउन के साथ, होर्डिंग में आपने देखा हमने विदाउट क्राउन्स पिक्चर डाला है. क्राउन वाला पिक्चर इनकी मैगजीन लॉन्च करेगी बिकॉज आज लोगों ने क्राउन जीता है, तो वो पिक्चर आने वाला है इनके मैगजीन के कवर पेज पे और पूरे मैगजीन में. तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का, बिकॉज सिर्फ ये नहीं होता कि चलो पार्टनर है, मैं अगर टैलेंट प्रमोट कर रहा हूँ तो उन टैलेंट को पूरे इंडिया में दिखाने का काम ये करते हैं. और अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में विदेश में भी इनकी लिंक देखी जाती है. तो मैं ये कहूँगा ऐसे लोग होने चाहिए इवेंट इंडस्ट्री में. अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो हम तो टैलेंट चलो दिखा दिया आज, बट इनको प्रमोट न्यूज़ करते हैं और मैगजीन पीपल करते हैं, तो इनका होना आवश्यक है. इनके बिना हम लोग अधूरे रहते हैं. जी, जब से हमने अपनी पहली मैगजीन का पहला एडिशन, पहला इशू स्टार्ट किया, तब से मैं और हबीब भाई आपस में कनेक्टेड हैं. और आधी रात को भी कभी इनको ज़रूरत पड़ती है, मेरे को इस बार इस मैगजीन में ये आर्टिकल, ये इंटरव्यू या ये कवर चाहिए, वो ऑलरेडी किसी और को भी गिवन होता है, तब भी उनको उसको आगे रिप्लेस करके इनको अवेलेबल करा देते हैं कि ठीक है आपको इस मंथ की ज़रूरत है, हम आपको इस मंथ में अवेलेबल करा देंगे. तो ऐसा हमारा आपस में बॉन्डिंग और कनेक्शन है. कोई भी प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना, सजेस्ट करना, गाइड करना, हेल्प लेना, दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड एंड वर्किंग टुगेदर. और मैं यही कहूँगा ऐसे सज्जन लोग अगर रहे तो इवेंट 4 चांद लगा सकता है, क्योंकि बिना पब्लिसिटी के, बिना प्रमोशन के इवेंट इवेंट नहीं रहता. आज मैं जो कर रहा हूँ लोगों तक, आप लोग पहुँचा रहे हैं, खबर 24 पहुँचा रहे हैं, पुष्कर जी को आज खबर 24 के लिए अवार्ड भी मिला है बिकॉज वो न्यूज़ पार्टनर है. तो उनको भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि न्यूज़ मैगजीन मीडिया एक सोल होता है, चाहे वो फिल्म हो, गाना हो या इवेंट हो, इस आत्मा के बिना वो शरीर बेकार है. बस इतना कहूँगा, धन्यवाद. थैंक यू.